स्वास्थ्य और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना को लेकर कहा कि प्रदेश में कोरोना की स्थिति सुधर रही है, रिकवरी रेट 62% तक पहुंच गया है और अब एक्टिव केसों की संख्या भी कम हो गई है। नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि अब तक उपार्जित गेहूं का 90% परिवहन कर लिया गया है, इसके साथ ही मजदूरों को काम उपलब्ध कराया जा रहा है। गृह, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना को लेकर कहा कि प्रदेश सरकार लगातार सुधार की दिशा में आगे बढ़ रही है। कोरोना से डरने की नहीं, सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर किसी को सपोर्टिंग बीमारी नहीं है तो ये सिर्फ सामान्य फ्लू की तरह है, ठीक किया जा सकता है। प्रदेश का रिकवरी रेट आधे से ज्यादा हो गया है, यानी लगभग 62% है। प्रदेश में 5000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। एक्टिव केसों की संख्या बहुत कम हो गई है। नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालन के लिए स्वास्थ्य विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी दुकानदारों को मास्क लगाना और सैनिटाइजर का उपयोग करना जरूरी होगा। कि लगातार मरीजों के ठीक होने की संख्या दुगनी स्थिति में है। जब पॉजिटिव केस आने की संख्या थी, अब उल्टी चक्री घूम रही है। ये तब है जब अनलॉकडाउन 1 का आज दूसरा दिन है और लोग बाजारों में आए हैं, और इसलिए हमने सैंपल की संख्या बढ़ाई है कि एकदम से कहीं कोई विस्फोटक स्थिति ना आए। हमारी कोशिश है, 137 पॉजिटिव के विरुद्ध 218 डिस्चार्ज हुए हैं। वर्तमान में रनिंग केस कुल 2835 ही इस मध्य प्रदेश के अंदर बचे हैं। अभी तक जो ठीक हो चुके हैं वो 5221 हैं। रिकवरी रेट हमारी आज 62% से ऊपर हो गई है। डबलिंग की समय सीमा बढ़ गई, रिकवरी रेट बढ़ गई, डिस्चार्ज होने वालों की संख्या बढ़ गई। ये इस बात का द्योतक है कि कोरोना से डरने की नहीं, सावधानी की जरूरत है। और अगर आपको सपोर्टिंग रोग नहीं है तो ये वायरल टाइप का, निमोनिया टाइप का ही है। सपोर्टिंग रोग अगर है तो हमें बहुत सावधानी और चिंता करनी है, इसलिए डरने की नहीं, सावधानी की जरूरत है। जो मैंने कल आपसे कहा था कि दुकानदारों को मुंह पे मास्क लगाना अनिवार्य है, उनका जो सर्वेंट है उसको लगाना भी अनिवार्य है, ऐसी 10 हमने सावधानियां जो कल बताई थी, सैनिटाइज करना, हाथ धोना, समितियां बना के वो समिति का अध्यक्ष बनाना। नरोत्तम मिश्रा ने अनाज खरीदने को लेकर कहा कि प्रदेश में अब तक 125 लाख मैट्रिक टन गेहूं उपार्जित किया गया है। 15,57,000 किसानों से गेहूं उपार्जित किया गया है। किसानों के खाते में 17,706 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। उपार्जित गेहूं का 90% परिवहन कर लिया गया है। प्रदेश की गेहूं उपार्जन की व्यवस्था पूरे देश के लिए मॉडल बनेगी। उन्होंने बताया कि मनरेगा के अंतर्गत 24,22,310 मजदूरों को काम उपलब्ध कराया गया है और 5,00,000 नए जॉब कार्ड बनाए गए हैं। नरोत्तम ने छात्रों के भविष्य को लेकर कहा कि सरकार के लिए छात्रों का हित सर्वोपरि है। इस बार गेहूं खरीदी जितनी अच्छी हुई है, मैं कहता हूं देश के अंदर मॉडल है हमारी गेहूं खरीदी इस बार की, और देश में भी जिन प्रांतों में गेहूं खरीदी होनी चाहिए उन्हें मध्य प्रदेश का अध्ययन करना चाहिए। मेट्रिक टन गेहूं 15,57,000 किसानों से खरीदा जा चुका है। 90% से अधिक का ट्रांसपोर्टेशन हो गया है। 17,710 करोड़ रुपया 13,20,000 किसानों के खाते में डाले जा चुके हैं। मजदूरों का जहाँ तक सवाल है, 24,22,310 मजदूर लगातार काम में लगे हैं। 35 जिलों में मनरेगा हेल्पलाइन चालू हो गई है। अभी नए जॉब कार्ड जो इशू किए हैं 5,00,000 से ऊपर के हो गए हैं। 1,659 करोड़ रुपया मय सामान के मजदूरों को अभी तक दिया जा चुका है। पर छात्रों का हित इस सरकार के लिए सर्वोपरि है और उनको हितों को देख में ध्यान में रखते हुए ही निर्णय लिया जाए। संगीत की स्वर लहरियों से,
सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।